सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट ज्ञान। सो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि गाइस आप लोग चैनल नेम कैसा रखोगे कि आपका चैनल कभी वायरल हो सके, या फिर गाइस आप लोग कैसा चैनल नेम रखोगे कि आपका सर्च लिस्ट में नंबर वन पे आए। तो गाइस आज हम लोग इसी के बारे में बताने वाले हैं और गाइस एकदम बिल्कुल आप लोग को यूनिक चैनल नेम रखने का तरीका बताऊंगा। तो गाइस वीडियो काफी नॉलेजेबल एंड इंपॉर्टेंट है, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो को, बार बार बोलते हो कि मेरा चैनल सर्च लिस्ट पे ही नहीं आता नंबर वन पे, तो वायरल होने की तो दूर की बात है। तो गाइस चैनल नेम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है सर्च लिस्ट में आने के लिए। तो गाइस जैसे कि मेरा ही चैनल आप लोग मान सकते हो अपडेट ज्ञान, गाइस मैंने रखा था अपडेट ज्ञान चैनल का नाम। तो गाइस कुछ तो सोच समझ करके रखा था अपडेट ज्ञान। तो गाइस मैंने देखिए क्यों रखा था चैनल का नाम, पहले ये मैं आप लोग को बता देता हूं, फिर आप लोग भी अपना चैनल का नाम एक यूनिक सा बना पाओगे। तो देखिए गाइस मैंने रखा था अपडेट ज्ञान, ठीक है अपडेट ज्ञान। तो गाइस जो फर्स्ट वर्ड आता है ना अपडेट, जो ज्ञान हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो गाइस अपडेट जितने भी सोशल मीडिया YouTube प्लेटफॉर्म पे अपडेट का वर्ड बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। सो गाइस कुछ भी चीज अगर लॉन्च होता है तो गाइस उसको न्यू अपडेट या फिर ऐसे अपडेट आ गया ऐसे करके ही होता है। YouTube पे आप लोग अपडेट करके सर्च कर लेना, आप लोग को इतने सारे वीडियो मिल जाएंगे सिर्फ अपडेट से रिलेटेड। तो गाइस उसी प्रकार मैंने सोचा कि चलो कुछ अपडेट से ही रिलेटेड चैनल का नाम रखते हैं। मान लीजिए कुछ सर्च करेंगे, ठीक है सर्च लिस्ट पे अगर आप लोग अभी सर्च करोगे, सिर्फ आप लोग अपडेट लिख देना, लास्ट में मेरा ज्ञान तो अपने ही आ जाएगा आपका सर्च लिस्ट में, देख लेना आप लोग ट्राई करके, ठीक है। नीचे शो करेगा मेरा चैनल का नाम, क्यों, क्योंकि गाइस आधा वर्ड आपने लिख दिया मेरा चैनल का, ठीक है आधा जो मैंने अपडेट ज्ञान रखा था ना, तो अपडेट आपने लिख दिया तो मेरा आधा चैनल का वर्ड लिखा गया, अब गाइस ज्ञान बाकी रहा। तो गाइस इसीलिए मैंने अपडेट ज्ञान रखा था ताकि गाइस जो सर्च होते हैं ना सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा अपडेट का जो वर्ड यूज करता है बहुत ही ज्यादा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अपडेट ज्ञान ही रखते हैं। ज्ञान मैंने खुद से लगाया था बट अपडेट बहुत ही ज्यादा यूज होता है इसलिए मैंने रखा था। जो कि गाइस अगर आप लोग सर्च करोगे, ठीक है मान लीजिए आप ऐसा चैनल का नाम रखते हो जो कि बहुत ही ज्यादा यूज में आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो वो आपका चैनल कभी ना कभी आगे जरूर आएगा, ठीक है क्योंकि कोई ना कोई तो सर्च कर ही रहे आपसे चैनल से रिलेटेड, तो वो तो आपका चैनल आने का कगार पर खड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग चैनल नेम ऐसा रख देते हो जो कि गाइस सोशल मीडिया पे यूज ही नहीं किया जाता, तो फिर आपका कहां से आएगा। तो गाइस उसी प्रकार मेरा जो अपडेट ज्ञान चैनल का नाम था, ज्ञान को अगर हम लोग देते तो सिर्फ अपडेट आता, और अपडेट नाम का वर्ड बड़े बड़े यूट्यूबर बड़े बड़े न्यूज मीडिया में भी अपडेट नाम का वर्ड यूज होता है, इसलिए गाइस कोई भी अगर अपडेट सर्च करता है तो उसका सर्च लिस्ट में नीचे शो होने लगता है दो तीन नंबर पे ज्ञान। तो गाइस अपडेट ज्ञान अगर कोई स्टूडेंट भी सर्च करता है, ठीक है क्योंकि सोचता है कोई पढ़ा मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आएंगे इसमें, तो अपडेट ज्ञान इस प्रकार से गाइस सर्च हो जाता है। तो गाइस अब आप लोग को क्या करना है कि चैनल नेम कैसे रखेंगे अब हम लोग, तो आप लोग को वो चीज ध्यान में देना है, चैनल नेम गाइस बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, ठीक है आपका चैनल वायरल होने में या फिर सर्च लिस्ट में नंबर वन में आने में आपका चैनल नेम बहुत ही ज्यादा मैटर करेगा। तो गाइस आप लोग को ध्यान में वो देना है कि आप लोग कौन सा ऐसा यूनिक नेम चुनोगे जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो गाइस आप लोग को कुछ ऐसा नेम अब चुनना पड़ेगा। अब मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए अनबॉक्सिंग, ठीक है अनबॉक्सिंग से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पे यूज होता है। मान लीजिए गुरुजी वगैरह भी वीडियो छोड़ते हैं तो अनबॉक्सिंग टाइटल में उनका होता ही है। अब मान लीजिए आप लोग कुछ मान लीजिए अनबॉक्सिंग ज्ञान ही दे दिए, ठीक है जैसे मैं अपडेट ज्ञान दिया हो, तो अनबॉक्सिंग ज्ञान अगर आप लोग देते हो तो कोई बंदा अगर कुछ चीज के बारे में अनबॉक्सिंग सर्च करता है सर्च लिस्ट में, तो गाइस ज्ञान ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि वो चैनल एक दो सर्च होते होते आपका चैनल गाइस फर्स्ट में आने का कोशिश करेगा। अनबॉक्सिंग जैसे ही लिखेगा ज्ञान खुद ब खुद दो तीन नंबर पे शो करने लगेगा, तो गाइस अनबॉक्सिंग ज्ञान इस तरह से वो चैनल भी वायरल हो जाएगा, ठीक है अनबॉक्सिंग ज्ञान। या फिर गाइस आप लोग अब सोच लेना, ठीक है मैंने एग्जांपल के तहत आप लोग को इतना बता दिया कि गाइस यूज वो करो जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा सर्च लिस्ट में आते हैं। अब वो अगर यूज करोगे जो कि कोई मतलब जानता भी नहीं, तो वो आपका चैनल वायरल होगा, ऐसा नहीं है कि मेहनत करोगे तो वायरल नहीं होगा, बट गाइस वो वायरल होने में आप लोग को थोड़ा सा लेट लगेगा, ठीक है लोगों तक जानना भी तो चाहिए ना, मैं आखिर आपको कैसे जानूंगा, आपका वीडियो मेरे सामने आएगा तब ना मैं आपको जानूंगा। तो गाइस इसीलिए यूज हुआ वर्ड आप लोग यूज करो अपने चैनल नेम के लिए और थोड़ा सा यूनिक कर दो, पीछे में कुछ चेंज कर दो, बस गाइस आपका चैनल 3 से 6 महीना के अंदर में एकदम मतलब ग्रोथ पकड़ लेगा और सर्च लिस्ट नंबर वन आने की बात करते हो। तो गाइज मैंने अपना खुद ब खुद नया चैनल ओपन किया जो कि ब्लॉग चैनल, बट उसको मैंने दो ही वीडियो मात्र एक वीडियो डाला था, बस फर्स्ट स्टेप में ही आ गया था मेरा एकदम सर्च लिस्ट में नंबर वन पे। तो गाइज आप लोग भी ऐसा यूनिक नेम पहले देख लो कि यूट्यूब में क्या सर्च होता है सबसे ज्यादा, ठीक है तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि यूट्यूब नाम का वर्ड बहुत ही ज्यादा सर्च होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपका चैनल का नाम यूट्यूब ही रख दो, लेकिन हाँ अगर आप लोग यूट्यूब रख
रखते हो, तो अगर आप लोग टेक चैनल खोलते हो तो चलो मैं एक नाम बता ही देता हूँ, YouTube टेक टिप्स। ठीक है, ये नाम शायद से होंगे या नहीं होंगे मैं तो जानता नहीं, बट मैंने खुद से बताया। तो ऐसे अगर यूजेबल जो मतलब सभी सर्च करते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं वैसे वर्ड, वैसे अगर आप लोग रखते हो तो आपका चैनल बहुत ही ज़्यादा ग्रो और बूस्टअप में जाएगा गाइज। तो गाइज आप लोग को वीडियो अगर समझ में आया और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं न्यू वीडियो कुछ न्यू अपडेट के साथ। अगर गाइज आप लोग को वीडियो समझ में आ गया वीडियो को शेयर कीजिए लोगों तक, अपने दोस्तों तक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।